तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने एक मॉडल पहले से तैयार कर रखा है जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। इसमें दो रूम हैं, एक किचन है, एक लिविंग हॉल है, लिविंग एरिया और एक पार्किंग एरिया है। इसमें टॉयलेट और बाथरूम है और साइड में आप देख रहे हैं जैसा कि इसमें 2 फीट का वेंटिलेशन के लिए ये जगह छोड़ दी गई है। तो चलिए रेक्टेंगल टूल का यूज़ करके हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एक मॉडल तैयार करते हैं। तो इसे साइड में करते हैं। यहाँ से हम इसको एक 30 फीट बाय 30 फीट का ये रेक्टेंगल ड्रा हो गया है। अब हम बाउंड्री वॉल ड्रा करेंगे। बाउंड्री वॉल दो तरह से ड्रा किया जाता है, एक तो टेप का यूज़ करके और दूसरा ऑफसेट। तो हम ऑफसेट से बाउंड्री वॉल ड्रा करेंगे। बाउंड्री वॉल हम 4 इंच रखते हैं, 4 इंच की बाउंड्री वॉल हो गई। अब हम इसमें ये रूम है, इस रूम को ड्रा करेंगे। इस रूम की लंबाई जो है 10.6 फीट है। तो 10.6, अब हम टेप की मदद से यहाँ एक गाइडलाइन शो कर लेंगे। 10.6 फीट ये गाइडलाइन शो कर लिए। अब इस गाइडलाइन इसकी मोटाई को हम 4 इंच रखते हैं, 4 इंच हो गए। और इस रूम से, इस दीवार से दूसरी रूम की जो दीवार है वो है 10 फीट। तो 10 फीट इंटर करते हैं, इसकी मोटाई को भी हम 4 इंच कर लेते हैं, 4 इंच। अब तो ये हो गया दो रूम की लंबाई। चौड़ाई में आते हैं। इस रूम की दीवार, इस दीवार से इस दीवार की जो है चौड़ाई 12 फीट है। तो हम इस रूम से ड्रॉ करते हैं, गाइडलाइन शो कर लेते हैं 12 फीट का, और इसकी मोटाई हम 4 इंच रखते हैं। अब इस रूम से टॉयलेट है, यहाँ पे टॉयलेट की जो दीवार की लंबाई है, चौड़ाई है, तो ये 3.3 फीट है। यहाँ हम ड्रा कर लिए, इस दीवार की मोटाई को 4 इंच कर लिए। अब इस दीवार से जो बाथरूम है, बाथरूम की चौड़ाई 4 फीट 6 इंच है। तो हमने 4 फीट 6 इंच और इसकी मोटाई भी हम 4 इंच रख लेते हैं। अब इस बाथरूम से किचन की जो चौड़ाई है वो 6 फीट है। तो हम 6 फीट इंटर करेंगे, 6 फीट, इसकी दीवार को भी हम 4 इंच रखेंगे, 4 इंच हो गया। और इस दीवार, इस बाउंड्री वॉल से यहाँ 2 फुट का वेंटिलेशन एरिया है, वेंटिलेशन हम 2 फुट रख लेते हैं, ये 2 फुट। इसकी भी मोटाई को हम 4 इंच रखते हैं। और इस दीवार से इस दीवार तक ये किचन है, किचन की लंबाई 8.2 फीट है। तो इस दीवार से इस दीवार तक 2 फुट का वेंटिलेशन एरिया हो गया। ये तो हमने गाइडलाइन शो कर ली। अब हम रेक्टेंगल टूल का यूज़ करके इनकी वॉल को शो करते हैं। चलिए रेक्टेंगल
सेलेक्ट किया और रेक्टेंगल सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक एक दीवार हो गई और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी दीवार हो गई। इस रूम की दीवार के यह हो गया और ये हो गया किचन। किचन के दीवार को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको हमने ड्रा कर लिया। अब बच गया, हमने अभी शो करना बाकी है ये टॉयलेट बाथरूम की लंबाई। तो टेप की मदद से हम यहाँ भी कर लेते हैं 3.6 फीट कर इसकी मोटाई जो है, इसकी मोटाई 4 इंच। अब इसके वाल को ड्रॉ कर लेते हैं। इसके वाल को यहाँ से यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ से यहाँ टॉयलेट की और यहाँ से यहाँ यह हो गई। हमने ये एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर लिया है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये यहाँ से यहाँ ये वेंटिलेशन, ये वेंटिलेशन का यहाँ से यहाँ तक है और वेंटिलेशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने ये वेंटिलेशन वाल को ड्रॉ कर लिया। अब इस तरह से हमारी वाल ड्रॉ हो गई है। एक यहाँ बच रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, वाल की लाइनें शो हो गई हैं। अब हम गाइडलाइंस को डिलीट कर देते हैं। इरेज से हम गाइडलाइनों को इरेज कर लेते हैं। इरेज टूल का यूज़ करके हम इन गाइडलाइनों को डिलीट कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। अब ये हमारा एक्स्ट्रा लाइन है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब जितने भी एक्स्ट्रा लाइन लगे हैं इन सबको हम इरेज टूल का यूज़ करके इन्हें इरेज कर लेते हैं। ये हमारे एक्स्ट्रा लाइनें हैं, इनको डिलीट करना है। ये डिलीट हो गए हैं। एक यहाँ है। तो ये हमारी सारी गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस डिलीट हो गई हैं। अब एक यहाँ बचे हुए हैं, ये हमने डिलीट कर लिया इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है और अभी हमें डोर शो करने बाकी हैं। डोर हम अगले वीडियो में शो करेंगे। तो आज
आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।